देश में ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है। इसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि 13 दिसंबर की तुलना में 19 दिसंबर को कई राज्यों में संक्रमण दर बढ़ी है। इन राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, असम, ओडिशा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्र ने कहा है कि ओमिक्रोन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है, इसलिए जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें। मंगलवार शाम राज्यों को लिखे गए लेटर में कहा गया है कि ओमिक्रोन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव कर देना चाहिए। ओमिक्रोन और डेल्टा दोनों वेरिएंट अब भी देश में मौजूद हैं, इसलिए लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यादा दूरदर्शिता दिखाने और तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। लेटर में कोरोना के ओमिक्रोन वेरियंट से अब तक 12 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में यहाँ आवाजाही पर सख्त पाबंदियां लगाने की चर्चा हो रही है। हालांकि यूके के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रैब ने क्रिसमस से पहले पाबंदियां बढ़ाने से इनकार किया है। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नई लहर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं इसराइल में ओमिक्रोन से पहली मौत हुई है। सोमवार को दक्षिणी शहर बेर्शेबा में स्थित सोरोका हॉस्पिटल ने बताया कि 60 साल के एक व्यक्ति की अस्पताल में भर्ती होने के 2 हफ्ते के बाद मौत हो गई। व्यक्ति पहले से ही स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित था। ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए इजरायली सरकार ने हवाई यातायात पर रोक लगा दी है। वहीं सरकार ओमिक्रोन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने जा रही है। यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों और नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर चिंता के बीच नए प्रतिबंधों का ऐलान किया गया है। जर्मनी में 28 दिसंबर से फुटबॉल समेत बड़े इवेंट बिना दर्शकों के करने पर 16 राज्यों ने सहमति जताई है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने नए साल के जश्न को लेकर निजी समारोह को लेकर भी नए नियमों की जानकारी दी है। इसके तहत एक स्थान पर 10 वैक्सीनेटेड लोगों के जुटाने पर सहमति जताई गई है। वहीं ब्रिटेन में क्रिसमस से पहले किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों को लेकर मंत्री सहमत नहीं दिखे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को कोरोना के नए डेल्टा पर चर्चा करने के लिए अपने कैबिनेट के साथ 2 घंटे से अधिक की बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ वैज्ञानिकों की चेतावनियों के बावजूद कई मंत्रियों ने क्रिसमस से पहले नए प्रतिबंधों की संभावनाओं पर आपत्ति जताई है। इसके बाद जॉनसन ने खुद एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें क्रिसमस से पहले किसी भी प्रकार के बैन नहीं लगाने का ऐलान किया गया है।